गुलाब परियो मंगवाए थे मैंने खाने के लिए फल और पीने के लिए जल, आई क्यों नहीं अभी तक वो चीजें? आई क्यों नहीं अभी तक वो सब चीजें? मैं आ गई तौबा तौबा। मेरा मतलब है प्रधान तौबा तौबा। चलो लाओ फटाफट, ए निकम में डूबा डूबाओ, आ जाओ इधर। अरे वो क्या देख मेरा मुंह, करो साफ इसे। तौबा तौबा। अटकाती परी, क्यों बाल परी की जान के पीछे पड़ी हो? तुम यहां गुस्से में चिल्लाओगी और बाल परी दर्द से चिल्लाएगी। तौबा तौबा तुम्हारे मालिक हैं, तमीज से पेश आओ। डूबा डूबाओ, चलो तौबा तौबा के जूते साफ करो। आओ गुलाम डूबा डूबा, उठाओ कपड़ा और करो साफ मेरा जूता। आओ चाहिए मेरी शक्ल इसमें। चलो जयवीर, जरा देख कर आए कि परिलोक के क्या हाल है। हैं? जी भयंकर परी, लेकिन इन परियों का क्या करना है भयंकर परी? इनका जो करना था वो मैं कर चुकी हूं। ये सब मेरे जादुई कवच के घेरे में है, ना तो ये परिलोक में उड़ सकती हैं और ना ही परिलोक के बाहर जा सकती हैं। परी भयंकर, परी भयंकर, और मैं? तुम भी चलो तौबा तौबा। यार केवल, ये गेंडा सच में अजीब है। जब होता है तब भी पकाता है, जब नहीं होता तब भी पकाता है। हाँ यार देखना, अभी वो नहीं है लेकिन उसके इंतजार में हम पक रहे। कुछ टाइम पास करना है यार। चल केवल, पकड़े पकड़े गेले। अरे नहीं यार, मेहनत वाला काम कौन करेगा। आइडिया, एक काम कर दे, स्टेज की रस्सियां गोल दे दे। ये? पागल हो गए क्या? अरे केवल, उसके बाद कोई भी स्टेज पर खड़ा होगा ना, वो नीचे गिर जाएगा। अरे यही तो मजा है, वो नीचे गिरेगा हम हंसेंगे, मजा आएगा। चल 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 चल, चल। आओ, कहीं रास्ते में केला खाने बैठ गए थे क्या आती बस? I mean boss. Idiots!
अब तुम लोगों तो कुछ पड़ी नहीं है तो मुझे ही सोचना पड़ा और मुझे अपनी पार्टी के लिए नाम मिल गया है। हाँ, अब के पार्टी का नाम होगा हदी गंडा हिप हॉप पार्टी। चुप। मेरी पार्टी का नाम है बर्गर कोल्ड ड्रिंक पिज्जा पार्टी। और मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बहुत सिंपल है, बर्गर कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा, है ना एकदम सिंपल। ये देखो E-I-N-N-O-R मतलब अब पढ़ो। अच्छा R-O-N-N-I-E वाह बॉस, ऐसे टेस्टी टाइप का बैनर बना के लाए हो। इस बैनर को देख के मेरा दिल कर रहा है इस बैनर को ही खा जाऊं। चल के बैठ। करो कंट्रोल करो, सब खिलाऊंगा तुम लोग को लेकिन पहले उन बच्चों को मेरे पास लेके आओ। ओके बॉस। केवल ये स्टेज तो कभी भी गिर सकता है, हमें बॉस को बताना पड़ेगा। बॉस ये स्टेज। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोगों को पता है कि कल इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आप गिर जाओगे। चुप। अभी तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था केवल ये वो खुद ही गिरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ओके बस, ये आपका अपना स्टेज है, आपको जो करना है करो, जहां मर्जी घूमो। वेरी गुड। तो जैसा कि मैं कह रहा था जो देगा मानव को वोट लगाऊंगा मैं उसकी वोट। ये लो लग गई अपने हिप्पो की वाट। सच्ची और अच्छी पार्टी। महर तू अभी तक सोई क्यों नहीं, चल जल्दी से सो जा। नहीं मानव, अभी बहुत सारे पोस्टर बनाना बाकी है सिर्फ हमारे सच्ची और अच्छी पार्टी के लिए। वाओ कितने सुंदर पोस्टर्स बनाए तूने। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। अच्छा महर अभी तू सो जा, बाकी के सारे पोस्टर्स कल बना लेना ठीक है। नहीं नहीं मानव, 11 पोस्टर अभी बनाने बाकी है, मैंने 40 बना लिए है, आज का टारगेट 51 है। लेकिन मैं मानव देख, वैसे भी भाई को जिताने के लिए बहन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अब तो सो जा और मेरी चिंता बिल्कुल मत कर ठीक है। मैं सो जाऊंगी। अरियो आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि हम आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाए, बल्कि हमारी वजह से आप सबको भयंकर परी के सामने छुपना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। नहीं बाल परी, ऐसा मत बोलिए, इस सब में आपका कोई दोष नहीं है, ये सब तो समय का खेल है। हाँ इस खेल को सिर्फ बालवीर ही पलट सकता था, लेकिन काल के क्रूर हाथों ने उसे भी हमसे छीन लिया। अब हम करें तो करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरियो इस तरह से हार मानने से काम नहीं चलेगा। याद है ना रानी परी ने हम सबसे क्या कहा था कि जब भी स्थिति और समय आपके विरुद्ध हो तो अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि को इकट्ठा करके सोचना, कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा।
गया हल। क्या? 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 रानी परी। रानी परी? हाँ परी, अब रानी परी हमें इस मुसीबत से छुड़ाएंगी। लेकिन रानी परी तो पावन नदी में कैद है, हम उन्हें वहां से आजाद कैसे करवाएंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास तो हमारे जादुई रण भी नहीं है, और बिना जादुई रण के रानी परी को लाना नामुमकिन है। अटकाती परी, हमारे जादुई दंड नहीं है तो क्या हुआ? भयंकर परी का जादुई दंड तो है ना? भयंकर परी? इस समय वो जीत के नशे में डूबी हुई है, हमारी तरफ उसका ज्यादा ध्यान नहीं है, हमें उसकी इसी लापरवाही का फायदा उठाना। लेकिन कैसे? भयंकर परी का दंड चुरा कर। नटखट परी, भयंकर परी का जादुई दंड चुराना इतना आसान नहीं है, उससे हम सबकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं जानती हूँ नाराज परी, जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी ना, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो दंड चुराकर हमें सबसे पहले पावन नदी तक पहुंचना होगा, और वहां हम रानी परी को कैसे आजाद करा देंगे? हम भयंकर परी और जयवीर का सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन रानी परी की मदद से उन्हें कैद जरूर कर सकते हैं। तो बोलिए, क्या कहते हैं आप सब? आप सब मेरे साथ हैं? हाँ परियों, एकता में बहुत ताकत होती है, और हम सब मिलकर ठान लें तो क्या नहीं कर सकते? हाँ, हम सब मिलकर कल सुबह ही भयंकर परी का दंड चुराएंगे। देखा मेरा दिमाग? नहीं बॉस, हम तो पोस्टर्स देख रहे हैं। मैंने स्कूल के हर दीवार पे अपने पोस्टर्स और बैनर चिपका दिए, अब उस मानव को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और बस आपके इस पोस्टर पे चिपके हुए पिज़्ज़ा बर्गर को देख के मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बस, कुछ बढ़िया सा खिला दो, फिर देखो हम आपके फुल नारेबाजी करेंगे। मेरे कार में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है, चलो चलते हैं। मानव देख, उस रोनी ने चालाकी से सारे पोस्टर्स सारे दीवारों पे लगा दिए, अब हम अपने पोस्टर्स कहाँ लगाए? कोई बात नहीं मेहर, चल हम अपने पोस्टर्स कहीं और चिपकाते हैं। चल चल, अब हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वो रोनी पोस्टर लगाने की सोच भी नहीं सकता। करता है ये रोनी बड़ा ही गलत काम। अब तक था मैं चुप, लेकिन अब नहीं रहूंगा मैं चुप। हो गया है सर अब पानी से ऊपर, अब पानी सर के ऊपर, अब नहीं बचेगा वो रोनी, सबक सिखाऊंगा मैं उसे। बॉस वो देखो, बल्लू आपके पिज्जा बर्गर का टुकड़े टुकड़े कर रहा है। हाँ बॉस, मुझे तो ना पिज्जा दिख रहा है, ना बर्गर, ना ही कोल्ड ड्रिंक। नहीं छोड़ूंगा इस बल्लू को, तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बल्लू! रोनी था यहाँ, और देख लिया उसने मुझे पोस्टर फाड़ते हुए, अब तो फाड़ेगा वो मेरे कपड़े। भाग दुबड़ुआ भाग। Ha ha ha!
अगर मैंने सबके सामने इस बल्लू को मारा तो शायद ये बच्चे मुझे वोट ना दे, लेकिन अगर मैंने बल्लू को सताने वालों को मारा तो सब बच्चे वोट मुझे ही देंगे। अरे बल्लू तो मेरा दोस्त है। हाँ, दोस्त है मेरा ये, और ये दोनों इस कमजोर अब लाचार और बेबस लड़के को परेशान कर रहे थे ये गुंडे। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अब कोई किसी बेसहारे बच्चे को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बेसहारा का सहारा रोनी मेरा आगे। ये देखो देखा बच्चों, अगर मैं मिडिल स्कूल कैप्टन बन गया तो इसी तरह मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। ऐसे सिर्फ दो चार गुस्से। अरे अगर करनी है रक्षा तो करो ठीक से, और धो डालो इन बुरे बच्चों को डब्बे से। जरूर जरूर दूंगा मैं। क्या कर रहा? सॉरी, लेकिन तुम लोग को पीटना तो पड़ेगा ही। परी भयंकर, छान मारा मैंने पूरा परी लोग, पर मिला नहीं मुझे कहीं मेरा वो दुष्ट भाई डूबा डूबा एक। अरे करवानी थी मुझे उससे मेरी सेवा चमके। जरा कहिए ना आपके इस मुफ्त खोर जयवीर को कि ढूंढ लाए मेरे भाई डुबा डुबा एक को। तबा तबा, जबान संभाल के बात करो, वरना तुम्हें प्रधान से दरबान बना देंगे हम। देखा आखिर में ये सब जीत गया ना। अरे मैंने बिल्कुल सही कहा था, ये तौबा तौबा है ना सिर्फ नाम का है प्रधान। नाम का नहीं है बड़े काम का ये प्रधान। तोबा तोबा, अरे परी भयंकर है मानती मेरी हर बात। क्या देखना तुम्हें? नहीं दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। ना सुनने की इस प्रधान तोबा तोबा को, चाहिए मुझे डूबा डूबा एक अभी के अभी एक। अरे जरा भेजिए ना आपके इस निठल्ले जयवीर को कि ढूंढ लाए मेरे भाई डूबा डूबा एक को। तोबा तोबा एक लगी तो नहीं प्रधान? तोबा तोबा जी, आप ठीक है ना? बजाओ एक कान के नीचे। डुबा बच्चा, जीतो के तुम्हें शर्त डुबा डुबा तीन से। अच्छा अब देखो मेरा जलवा। ए परी भयंकर, किया क्या मैंने गलत जो दे दिया आपने मुझे उल्टे हाथ की मेरे मुंह पर? अरे मुफ्त को और निठल्ला नहीं तो और है क्या ये जयवीर है? इससे अच्छी तो दूध वाली खीर। तबा तबा